वृद्धि फाउंडेशन ने 200 से ज्यादा गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को राशन किट वितरण की। वृद्धि फाउंडेशन व वृद्धि प्रोजेक्ट की तरफ से चेंबूर पीएल लोखंडे मनपा अस्पताल के पास इमारत क्रमांक 10F/2 कार्यालय पर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल वासुदेव तथा संस्था की सह संस्थापिका श्रीमती राधिका गोपाल और निर्देशक राजेश मिश्र के हाथों चेंबूर गोवंडी शिवजी नगर और मानखुर्द परिसर की 200 से ज्यादा गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को राशन वितरण किया गया था, जिसमें भारी मात्रा में लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क और सैनिटाइजर भी बांटे गए। कोरोना संक्रमण COVID-19 से बचने के लिए श्रीमती राधिका वासुदेव ने महिलाओं से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हमेशा मास्क लगाना जरूरी है, इसके अलावा हाथ को सैनिटाइज करते रहें, सामाजिक दूरी बनाए रखना होगा जब आप किसी जरूरी काम से बाहर जाते हैं। डॉक्टर गोपाल वासुदेव ने जब से लॉकडाउन हुआ है तब से और आज तक का फाउंडेशन के सामाजिक कार्यों की जानकारी लोगों को विस्तार पूर्वक बताई है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए फाउंडेशन के मनोज जाधव, विशाल तावड़े, अब्दुल कादर के अलावा फाउंडेशन के सभी सदस्य लोगों ने भरपूर कोशिश की। जो धृति फाउंडेशन है वो पिछले 2 महीनों से कोविड के लिए जो भी मुंबई में ज़रूरत पड़ रही है, चाहे राशन किट बांटना है, चाहे सैनिटाइजर देना है या अन्य तरह की सहायताएं हैं, वो सब काम हम लोग पिछले 2 महीनों से रेगुलर कर रहे हैं। हमारे लगभग 70 स्टाफ हैं जो पूरे काम में लगे हुए हैं और इसके आगे अभी जैसे कि अनलॉक चालू हो गया है तो हमारा प्रयास है कि वापस लोग काम पर जाने वाले हैं तो उनको किस तरह सुरक्षित रह के काम करना है वो बताना है। और दूसरा, अभी लोगों के जॉब के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई है, उनके फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करना है उसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारी तैयारी की है, उनको बताना चाहते हैं, बताएंगे मेंबर्स को। स्लम में जो मिडिल इनकम ग्रुप लोग हैं उनको हम लोग बहुत सारे टाइप के इंश्योरेंस और बहुत सारे टाइप के फाइनेंशियल प्लानिंग देने वाले हैं, क्योंकि हमारा बैंकिंग भी फील्ड है। हमारा विश्वजीत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है जिसके माध्यम से हम उनको बहुत सारे टाइप के सेविंग्स या उनको लोन या और इंश्योरेंस, जो बहुत सी जरूरी चीज़ें हैं जो अभी उन्होंने नहीं किया है, वो सब चीज़ें हम उनको प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग पब्लिक के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, किस तरह सभी का अनुमान है, उनको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं? हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, जहाँ भी ज़रूरत पड़ रही है हम लोग पूरी तरह से उनको मदद कर रहे हैं, चाहे उनको फूड किट के बारे में राशन दे के मदद करने की जरूरत पड़ रही कर रहे हैं। सैनिटाइजर तो जैसा अभी आपको डॉक्टर गोपाल वासुदेव जी ने बताया, हमने सैनिटाइजर नॉट ओनली खाली मुंबई के बाहर भी थाने, कल्याण महानगर पालिका और पनवेल उरण महानगर पालिका या जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है, फ्री में हम उनको सैनिटाइजर दे रहे हैं और लोगों को सैनिटाइजर के साथ में पब्लिक को भी समझा रहे हैं। हमारे साथ जो दूसरे NGOs जुड़े हुए हैं उनके माध्यम से भी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो अगला हमारा प्रोसेस है उसमें हम लोगों ने अभी हमारी तैयारी है कि जैसे एक अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है वो टाइप की हमारी एक तैयारी है कि हम लोग डेटाबेस इकट्ठा करेंगे बहुत सारी कंपनियों से और हम जो मेंबर्स हैं उनको उसके साथ जोड़ के उनको किस तरह से रोज़गार दिला सकें, उनकी इनकम किस तरह से बढ़ा सकें या उनकी और भी जो परेशानियां हैं उसको पूरी तरह से दूर कर सकें, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सो हमारा संस्था का नाम वृद्धि है, जो फाउंडेशन है उसका नाम धृति फाउंडेशन है। दोनों हम ये राधिका मेरे वाइफ हैं, मेरे नाम गोपाल, डॉक्टर गोपाल वासुदेव है, हम दोनों साथ में चलाते हैं। हमारा काम एनीवे फाइनेंस का काम है जो स्लम हाउसहोल्ड्स के साथ काम करते हैं, सो पहले से ही इनके साथ ही काम करते हैं। अभी जो कोरोना का जब आया तो हमने देखा है कि इसका नीड बहुत ज़्यादा है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या करना है, और ये जो स्लम्स के लिए जो करना है वो कोई उनके लिए पर्टिकुलरली नहीं बोल रहे थे, तो जो भी था वो सब लोग के लिए थे बट पर्टिकुलरली इनका जो इश्यूज़ था वो एड्रेस करने के लिए हम आए थे। तो और हम एक और चीज़ देखे थे कि वो सुरक्षित रहने के लिए जो करना था वो हमें प्रोवाइड करना था, तो उधर से हम चालू किए थे ये सैनिटाइज़र का प्रोडक्शन और उनका डोनेशन करने का। तो हम सब हॉस्पिटल्स को डोनेट किए हैं, सब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मतलब BMC का, कम्युनिटीज को भी डोनेट किए, हाँ सो कम्युनिटी का किया है, सब हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का किया है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को, पुलिस को और जो संस्था ग्राउंड में काम करते हैं, अभी उनको सुरक्षित रखने के लिए जो सैनिटाइजर चाहिए था वो जितने भी लोग को हम कर सकते थे उतना किए। अभी तक ये 2 महीने में हम टोटल अराउंड 10,000 लीटर सैनिटाइजर का डोनेट किए हैं। अभी हमने देखा कि जब वो टाइम बढ़ रहा था लॉकडाउन का तो खाने का भी
मुश्किल हो रहा था. एंड नॉट जस्ट यू नो जो माइग्रेंट्स या ए फ्रिंज में है, जो नॉर्मल स्लम कम्युनिटीज में रहते हैं उनका भी वो खाना मिलना बहुत मुश्किल पड़ रहा था. सबका काम बंद हुआ है ना, दीज आर पीपल जो जिनका मतलब अच्छा खासा वेरी हार्ड वर्किंग, जो जिनका रोज का एक नहीं दो नहीं तीन काम करते हैं और जो कमा के अपने फैमिली को रखते हैं, अभी उनको कहीं पे भी कुछ भी काम करने के लिए मौका नहीं है. तो हमने सोचा जो और कुछ करने के पहले जितना हो सकता है जो सबसे नीडी है, जिनका कुछ फिक्स, बिकॉज ये जिनका जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ऐसा नहीं है इनका सैलरी आ रहा है, तो जितना इसके लिए हमने अप्रोच किया रोटरी को. हम वी आर वेरी ग्रेटफुल टू रोटरी क्वींस नेकलेस, जिन्होंने ऑलमोस्ट हमारे 4000 किट्स हमने तैयार करके हमारे कम्युनिटी जो बहुत ही वल्नरेबल है, जो सबसे ज़्यादा रिस्क में है, वो मेंबर्स को हम हेल्प कर पाए हैं. और वी हम और भी एंड हमने और 10,000 किट तैयार करने के लिए हमने यूज़ किया था, जहाँ पे हमारे जो मेंबर्स है जिनको काम नहीं है उनसे काम करवा के एक डेली वेज पे कुछ ना कुछ जितना हो सकता है उनके लिए एक एक छोटा मोटा अमाउंट जो हाथ में बचता है आज के दिन में जो वो यूज़ कर सकते हैं. तो ये हम किया क्योंकि जितना भी सुरक्षित होने के साथ साथ अगर घर पे बैठ मतलब पहले खाने का कुछ बंदोबस्त होना चाहिए. एंड दीज आर पीपल जो अपने आप को हेल्प बाकी सब हेल्प करने के लिए रेडी है, वो किसी और से ज़्यादा जाके मतलब मांग नहीं रहे, देख नहीं रहे. तो ये हमारे मेंबर है, हमें लगा कि ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है या हमारा, हमें इनका जितना हो सकता है जो साथ में देना चाहते हैं. तो इसके लिए हम लास्ट 3 महीने से जितना हमारे सारे 10,000 मेंबर्स को हमने फ़ोन पे ट्रेनिंग दिया है. हमारे मेंबर्स के लिए परिचर्या ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही खास संस्था है, डॉक्टर्स के थ्रू सेटअप किया हुआ है. ऑलमोस्ट 60-70 डॉक्टर्स है जिनको हमने हमारे मेंबर्स के लिए लाइन पे है, कुछ भी इशू है कॉल कर सकते हैं क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल में जाना बहुत मुश्किल है. एंड ये सब डॉक्टर उनका टाइम फ्री में वॉलंटियर किया है और हमने एक हॉटलाइन हम मैनेज करते हैं, जो भी कॉल करते हैं उनको हम वो डॉक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल में लेके पूरा वो कंसल्टेशन करके प्रिस्क्रिप्शन तक मिलता है उनको. इसके दिन में अभी कोई भी जो छोटा छोटा जो क्लिनिक है वो सब बंद है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का है. एंड ये मतलब सच करना चाहिए, जब हमें पता नहीं था अभी कोरोना में, आपको भी पता है एसिम्प्टोमेटिक केसेस, पहले हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसा फैल रहा है, तो लोगों को डॉक्टर के पास जाना भी डर लग रहा था, डॉक्टर्स को कोई किसी को अंदर लेने के लिए भी इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा था, तो तभी लगा. एंड दूसरा जो भी बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है ओपीडी सब बंद हुआ क्योंकि सब पूरा उनको कोरोना के ऊपर फोकस करना पड़ा. तो वो टाइम में एक नॉर्मल ऐसा सिचुएशन आ गया कि थोड़ा सा भी फीवर आता है या थोड़ा सा भी जुकाम जैसे भी आता है उनको बहुत डर आने लगा. तो वो टाइम पे क्या करेंगे, जाके किसी से बात करने को नहीं होता है, हर बार आप जाके एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके दिखा तो नहीं सकते. तो इसके लिए हमने ये जो हेल्पलाइन है परिचर्या के साथ हमने शुरू करके उनके वॉलंटियर से हमें इतना खास ये किया है, सपोर्ट किया है, क्योंकि ऐसे कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोरोना आया है कि बाकी सब चीज़ें बंद हो जाती है. अभी भी लोगों को फीवर होती है, अभी भी लोगों को मतलब थोड़ा शुगर का अगर चेकअप करना है उनको लगता है कि सिम्टम्स कुछ आगे पीछे हुआ है, एक फ़ीवर है जिसके बारे में समझने उनको समझना है और क्या कर सकते हैं. तो ये जो नॉन कोविड का, एक तो कोविड के बारे में जिनको डाउट था वो हमारे टीम था आंसर करने के लिए कि क्या हमें उनको डॉक्टर्स के मिलने की ज़रूरत है. बट नॉन कोविड मतलब जो नॉर्मल दिन पे मतलब जो डे टू डे का इश्यूज होता है वो सॉल्व करने के लिए एक डॉक्टर की बहुत ज़रूरत है. और जो अमीर लोग हैं तो अभी वो आसानी से ऐप डाउनलोड करते हैं, वो वीडियो कॉल करते हैं, डॉक्टर से बात कर सकते हैं. बट अभी हमारे जो मेंबर्स हैं उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास स्मार्टफोन भी नहीं है, तो वो लोग कैसे करेंगे? तो इसलिए हमें ऐसा एक ऑप्शन हॉटलाइन लेके आना था जिधर नॉर्मल लोग नॉर्मल फ़ोन के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उधर उनको हेल्प मिल सकता है. और ये सब यू नो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं वो जो नॉर्मल काम करते हैं उसके अलावा ये टाइम भी वॉलंटियर किए हैं और उनके साथ इनका कंसल्टेशन होता है. ये काम बहुत ज़रूरी है. आज तो ये गुवांडी के इलाके में, चेंबूर गुवांडी के इलाके में हम कर रहे हैं ये प्रोग्राम, जो आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूँ कि यह संस्था कोई नया नहीं है. यह संस्था 2014 में इसकी स्थापना की गई और ये संस्था गरीबों के लिए तब से और आज तक काम करने के लिए समर्पित है. और इसका मैं पत्रकार भी हूँ. कल मुझे कहा गया कि आप इसके मीडिया इंचार्ज आपको बनाया जा रहा है. कल कहा गया मीडिया इंचार्ज हो या ना हो, एक इंसान के नाते, एक इंसान के दिल में जो गरीबों के प्रति भावना है इस खास लॉकडाउन के समय में कि लोग एक एक कप चाय के लिए तरस रहे हैं, वहाँ लोगों को राशन का किट दिया जा रहा है. और यह
पहला कार्यक्रम नहीं है, ये 77 दिन में गोरे गांव आदिवासी इलाका से लेकर वहाँ की खबर भी मैं प्रिंट मीडिया में लगा चुका हूँ, पेपर में छाप चुका हूँ, इसकी भी खबर छापूंगा मैं। वृद्धि संस्थान के सभी फाउंडर को, फाउंडर निर्देशक सभी लोगों को और इनके साथ जुड़े जितने भी कार्यकर्ता हैं, इनके जो लोग इनका सहयोग कर रहे हैं, जिनके वजह से ये कार्यक्रम सफल हो रहा है। आज मैं 11:30 बजे यहाँ आया, इनके 10 कार्यकर्ता यहाँ मिले, सुबह 10 बजे से ही वो इस काम के लिए समर्पित हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के, और मैं इस संस्था के सभी लोगों को अपनी तरफ से धन्यवाद, और इन तमाम गरीब लोगों के लिए कि जिनके चेहरे एक राशन का किट 2 किलो 5 किलो सवाल नहीं है। महाराष्ट्र का एक मराठी में कहते कि फूला नहीं तो फूला की पाखड़ी, देखिए महाराष्ट्र की एक बड़ी वो पॉपुलर वो सेंटेंस बोलते हैं मराठी में, तो देखिए फूल नहीं तो फूल की एक पंखड़ी, वही सही ये संस्था लोगों तक दे रही है और लोगों के दिलों में जा रही है, लोगों के दिलों में जा रही है, बड़ी बहुत बड़ी बात है। मैं अपनी तरफ से संस्था के सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जाते जाते मैं ये बोलूँगा कि अभी लॉकडाउन का रेस्ट्रिक्शन लिफ्ट हो रहे हैं, बहुत बहुत सुरक्षित रहना है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हमारा जो नंबर्स हैं प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारा अभी बहुत सारे हम ऐसे सेटअप कर रहे हैं कि ये समय पे जिनको भी समझना है कि ये कैसे फैलता है, क्या करना है उनको सुरक्षित रखने के लिए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो जितना हो सकता है आके प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए, जो ट्रेनिंग लेना है ले लीजिए। आगे फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सबका है ना ऑक्यूपेशन का हिट हुआ है, सबका फाइनेंशियल का प्रॉब्लम है, तो ये समय पर अभी से प्लानिंग चालू करेंगे तो आगे का भी बहुत अच्छा हो सकता है, इसके बारे में भी संपर्क करने का हम चाहते हैं। जी बस मैं कहूँगी कि ये टाइम ऐसा है, हम जब जितना साथ में रहते हैं उतना हम कोविड को और जल्दी से और आसानी से हम हरा सकते हैं। अभी तक अगर हम इतना सेवा इतना भी नहीं जो हम कर सकते हैं, जो हम सेवा कर पाए हैं वो इसकी वजह से, क्योंकि हमारा टीम हमारे साथ जुड़े, मेरे जो लड़के लोग लड़कियां जो अपने घर मतलब बैठ सकते थे, बोल सकते हैं कि डर लगता है, अपने डर को छोड़ के बाकी लोगों जो हमारे से कम है जिनके हाथ में, उनकी मदद करने के लिए जो आए हमारे डोनर्स, जो रोटरी जैसे जो डोनर है जो लेके आ रहे, हमारे जो अध्यक्ष और जो हमारे जैसे राजेश जी, अभी जितने भी लोग साथ में रहे हैं, हमारे संस्थाएँ जिनके जो हमारे साथ जुड़े हैं, अगर सब मिल के हम जितने लोगों को रीच कर पाए हैं, 1-2 लाख लोगों को अगर हम सेवा कर पाए हैं वो इसके लिए, क्योंकि हम सब साथ में काम कर रहे हैं। जैसे ये लॉकडाउन उठता है आगे बढ़ते हैं, इतना जितना और करीब आ सकते हैं, करीब मतलब सोशल डिस्टेंसिंग इस चीज़ में नहीं होती है, दिल का कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है जी, तो जितना हम दिल से लोगों को साथ में रख सकते हैं, दूसरों के बारे में थोड़ा सोच सकते हैं, और दूसरों के बारे में सोचना है तो एक ही मैं बोलूँगी, मास्क पहनिए। आप बाहर जा रहे हैं, घर के बाहर जा रहे हैं, मास्क पहनिए एंड हाथ धोइए। ये इतना करेंगे और हर बार सिर्फ अपने सुरक्षा सिर्फ अपने लिए नहीं होता, हम दूसरे को सुरक्षित रखेंगे तो हम भी खुद सुरक्षित रह सकते हैं। बस रिद्धि के साथ काम करके जो मुझे सेटिस्फाइड हुआ है वो इस तरीके से, क्योंकि रिद्धि ने बहुत ग्रास रूट लेवल पे जो लोग हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, जिनको सच मोस्ट नीडेड पीपल है, तो उनके साथ काम करने का मौका मिला। और बहुत सारे लोगों का इशू था कि सिर्फ पॉलिटिकल लोगों का भी इशू था कि जो सिर्फ कार्यकर्ता लोगों के लिए ही काम करते, तो वृद्धि के साथ ऐसा काम करके हमें ऐसा दिखाई नहीं दिया, क्योंकि जो ग्रास रूट है, जो स्ट्रीट रेसिडेंट्स हैं, उनके साथ हमें काम करने का मौका मिला, और वृद्धि को भी हम जैसे सोशल वर्क की फ़ायदा हो गया और वृद्धि का भी हमें फ़ायदा हो गया कि इसमें जो जेन्युइन लोग हैं जिनको सच में इस COVID-19 में ज़रूरत थी, वो लोगों के साथ काम करने और उनको हेल्प करने का हमें अच्छी तरह से मौका मिला, क्योंकि इनके साथ मैंने मानकुर में भी काम किया, मानकुर में किट डिस्ट्रीब्यूशन किया, शिवाजी नगर में किया, जब जब इनको हेल्प होता था वो टाइम पे हम जाते थे, कुरला नारायण नगर में भी मैं खुद 2-3 बार गया वहाँ पे, स्लम में जो महिला रहती है जो जिनको सच में ज़रूरत थी, और एक बार तो ऐसा हुआ कि समझो ईद के वक्त में लोगों को ज़रूरत थी जो जिनके घर में ईद, और COVID-19 के वजह से उनको कुछ ऐसा कोई दुकान शुरू नहीं, और ऐसे टाइम पे रुद्धि के सहायता से उनको राशन किट मिला, ये सबसे बड़ी बात मुझे, और ये मैं सेटिस्फाइड हूँ उनके साथ काम करके। वृद्धि फाउंडेशन से मिलके हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग ने इसके पहले सैनिटाइज़र हमारे वॉलंटियर्स लोगों के लिए और पब्लिक के लिए भी हम लोग ने बांटा, और
आगे भी उन्होंने ग्रोसरीज का प्रोवाइड करने का गरजू लोगों के लिए अभी प्रोसेस चल रहा है, वो भी करते रहेंगे, अभी काम लड़ रहे हैं, 70 दिन हो गया काम हम छोड़ के, सब अभी कोरोना से ही लड़ रहे हैं। मेरा नाम भास्कर नाइक है, हम लेप्रेसी पीपल्स के लिए हम लोग काम करते हैं, लेप्रेसी एंड हैंडीकैप के लिए। अभी रिद्धि के तरफ से, रिद्धि फाउंडेशन के तरफ से 100+ फैमिलियों के लिए फूड का हमने इंतज़ाम किया है, हर घर में फूड पहुंचा है, तो इसके लिए मैं रिद्धि फाउंडेशन का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ और आभार मानता हूँ उनका। मेरा नाम शैलेश साळुंके और मैं अस्तित्व सोशल ग्रुप का अध्यक्ष हूँ, और ये 3 महीने में हमारे वॉलंटियर्स पूरा गली गली जाके जिसके पास खाना नहीं उसको खाना दे रहे, और ऐसे वॉलंटियर्स के लिए वृद्धि फाउंडेशन ने सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़र, मास्क और फेस शील्ड, और जो जिसके घर में ग्लोसरी नहीं है उनके लिए ग्लोसरी अवेलेबल करवा के दिया है। तो वृद्धि फाउंडेशन का हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और ऐसा ही हमारे साथ वो आगे काम करते रहे और लोगों की सेवा उनसे और हमारे से होते रहे, यही मैं मनोकामना करता हूँ। मेरा नाम गणेश है और मैं सेव द शिवाजी नगर फाउंडेशन का एज अ फाउंडर मेंबर हूँ, और 2017 से ये संस्था रजिस्ट्रेशन हुई है, और 2-3 महीने से हम लोग रुद्धि के साथ काम कर रहे हैं। बेसिकली हमारा जो फोकस है ज़्यादा टीबी पेशेंट के ऊपर है, टीबी पेशेंट का ऑलरेडी इम्यूनिटी पावर बहुत कम होता है और ये कोरोना महामारी से और भी कम हो रहा है, तो रुद्धि फाउंडेशन से हमें ये मदद मिली है कि जो टीबी पेशेंट है उनको अगर राशन सही तरह से मिले तो उनका इम्यूनिटी पावर अच्छे से हो सके और वो कोरोना महामारी से अच्छे से लड़ सके। तो मैं रुद्धि का खास तरह से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें मदद की और 202 पेशेंट तक हम वो राशन पहुँचा रहे हैं, तो थैंक यू रुद्धि। एक्चुअली ये जो महामारी है, ये जागतिक महामारी है, वैश्विक महामारी है, जिसने पूरे दुनिया को पूरी तरह से हिला के रख दिया है और पूरी तरह से मानवीय जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। और इस महामारी में ऐसा हुआ है कि लोग घर के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उन्हें घर में ही रहना पड़ रहा है। तो हम जैसे जो NGOs है, नई सोच फॉर ह्यूमैनिटी और धृति फाउंडेशन, जिनके जरिए हम लोगों तक पहुँच रहे हैं, लोगों को खाना, लोगों को जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो लोगों तक हम पहुँचा रहे हैं, लोगों का मेडिकल टेस्टिंग हो रहा है हमारे थ्रू, हम लोग लोगों की टेस्टिंग कर रहे हैं कोरोना टेस्ट के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच सकें और ये जो एक चेन जो है कोरोना की उसे तोड़ सके, ताकि हमारे मुंबई में आप देख रहे मुंबई की हालत या महाराष्ट्र की हालत खूब ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल सिचुएशन में, मुंबई खूब बहुत ज़्यादा तरीके से इस चीज़ का सामना कर रही है। तो हमारी जोर से जितना NGO की तरफ से हम या सोशल वर्कर जो हम जिस एरिया में काम करें, हमारी तो यही कोशिश है कि हम किस तरह से लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और उनको काम कर सके। अभी 2 महीने से ऑलमोस्ट जो भी लेबर से या जो भी वर्कर्स है उनको सैलरी नहीं मिली है, और आने वाले दिनों में हमारी यही कोशिश है कि किस तरह से हम उन लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें, लोगों को किस तरह से ब्रेड बटर की अवेलेबिलिटी करा के दें, ये हमारी एक कोशिश रहेगी नई सोच की तरफ से। और हमारे जो भी सपोर्टर्स हैं उनसे हमारी यही गुजारिश होगी कि हमें आने दिनों में लोगों को एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको जो भी है कोरोना उसको किस तरह से प्रिकॉशन लेके आपको घर के बाहर निकलना है और आपकी जो पास्ट लाइफ थी उसको उसी तरह से सर्वाइवल करना है। थैंक यू धृति फाउंडेशन, जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पर बोलने का और अपने जो विचार है वो लोगों के समक्ष रखने का।